नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। हमने जेंट्स हाफ स्वेटर में एक तरफ का शोल्डर और नेक घटा दिया है। अब हमें दूसरी तरफ का नेक और शोल्डर घटाना है। चलिए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वुल अटैच करेंगे। तो हमने अपना वुल अटैच कर लिया है। इस लाइन में हम कोई भी फंदे नहीं घटाएंगे, बस अपने डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट फंदा है, इसे हम बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो इस लाइन में हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये पहला फंदा है, दूसरे फंदे को लिया और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाया। फिर इसमें हम 22 लाइन में फंदा चढ़ा लेंगे और 2 फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा। तो 2 हुआ, 3, 4 और 5। तो हमने 5 फंदे घटा लिए। शेष फंदों को हम डिजाइन के हिसाब से बनाते हुए दूसरी साइड में सामने की तरफ आ जाएंगे। अब हम सीधी तरफ से आ गए हैं और ये हमारा तीसरा लाइन है। और इस लाइन में हम नेक डिक्रीज करेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने ये पहला फंदा डिक्रीज कर लिया। शेष फंदों को अपने डिजाइन के मुताबिक बुनते हुए हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। थर्ड रो में हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट फंदा है, तो इसे हमें बुनना नहीं है बल्कि स्लिप कर लेना है। अब हम फोर्थ रो पे हैं। सेकेंड रो में हमने 5 फंदे डिक्रीज किए थे और फोर्थ रो में हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। 2 फंदों को एक साथ लिया, 2 का एक किया एक, फिर 2 फंदों को एक साथ लिया, 2 और 3। तो हमने 3 फंदे डिक्रीज किए। शेष फंदे हम डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। फिफ्थ रो और सामने से अब हम फिर इस लाइन में एक फंदा डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारा दूसरा फंदा है, नेक का ये दूसरा फंदा डिक्रीज हुआ है। शेष फंदों को हम डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। तो हमने 5वा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट फंदा है, इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और ये 6ठा लाइन है। तो इस लाइन में हमें 2 फंदे डिक्रीज करने हैं। 2 फंदों को एक साथ लिया और 2 का एक बना दिया, फिर 2 फंदों को एक साथ लिया, 2 का एक बना दिया। तो ये हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए। शेष फंदों को हम पैटर्न के हिसाब से बुनते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। 7वां लाइन और सामने से। तो इस लाइन में हम फिर एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा, एक सीधा फंदा बना देंगे। शेष फंदों को पैटर्न के हिसाब से बुनते हुए हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। 7वें लाइन का ये आखिरी फंदा है, इसे हमें बुने बुना स्लिप कर लेना है। और हम रॉन्ग साइड में आ गए, यानी 8वें लाइन में। तो हमने दूसरे लाइन में 5, 4थे लाइन में 3, 6ठे लाइन में 2 और 8वें लाइन में हम एक फंदा कम करेंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे और इसके साथ ही हमारा शोल्डर डिक्रीजिंग ख़त्म होता है। शोल्डर पे हमने 5, 3, 2, 1 करते हुए 11 फंदे घटाए हैं और अब हम सिर्फ गले की तरफ ही फंदे घटाएंगे। 9th रो और फ्रंट साइड। तो अब हम गले की तरफ से 4था फंदा घटा रहे हैं। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। शेष फंदों को अपने पैटर्न के हिसाब से बुनते हुए लाइन कम्प्लीट करेंगे। 11वां लाइन और सामने से। और ये हम गले की तरफ से 5वां फंदा घटा रहे हैं। तो हमने लगातार प्रत्येक सीधी लाइन में एक एक फंदे घटाते हुए 5 फंदे घटा दिए हैं। ये 13वां लाइन है और इस लाइन में हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं। तो हमने 13वीं लाइन में कोई फंदे नहीं घटाए। ये 15वां लाइन है और इस लाइन में हमें फंदे घटाने हैं। तो हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। शेष फंदों को डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब 17वें लाइन में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे
और अगला फंदा 19वीं लाइन में घटाएंगे, यानी एक सीधी लाइन छोड़ के हम फंदे घटाएंगे और तब तक फंदे घटाएंगे जब तक कि हमारे सिलाई पे 28 फंदे न रह जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 55वां लाइन कंप्लीट हुआ है और अब हमारी डिक्रीजिंग खत्म होती है। सो आर्म होल में हमने 5-3-2-1 करके 11 फंदे घटाए हैं और नेक पे हमने 16 फंदे घटाए हैं। 5 फंदे लगातार, यानी 3रे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें में हमने लगातार 5 फंदे घटाए और फिर 13वें लाइन को छोड़ दिया, 15वें लाइन में, फिर 17वें लाइन को छोड़ के 19वें लाइन में हमने फंदे घटाए, यानी कि 5 फंदे लगातार घटाने के बाद एक सीधी लाइन छोड़ के हम फंदे घटाएंगे। तो 11वें में हमने घटाया, तो फिर 13वें में हम नहीं घटाएंगे, 15वें में घटाया, 17वें में न घटा के 19वें में घटाया। इस तरह एक एक सीधी लाइन को छोड़ के हमने फंदे घटाए और इस समय शोल्डर पे 28 फंदे हैं। तो अब हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है और लंबाई पूरी करनी है। तो मैं लंबाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लंबाई पूरी कर दी है, जहाँ से ये डिक्रीजिंग ख़त्म हुआ है शोल्डर का, वहाँ से हम ऐसे लगा रहे हैं, हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमने लंबाई पूरी कर ली। अगर हम शोल्डर की लंबाई कम कर देंगे तो स्वेटर की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अब मुड्ढे में 5-3-2-1 यानी 11 फंदे घटाए और गले पे 16 फंदे घटाए, 5 फंदे लगातार, उसके बाद एक सीधी लाइन छोड़ के। तो इसके साथ ही हाफ जेंट स्वेटर का फर्स्ट पार्ट, फ्रंट पार्ट तैयार होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।